Welcome back to my channel Science Classes. And if you are new to my channel, then please do like, share, and subscribe to my channel. So, in the last class, we studied about the definition of matter, the difference between mass and weight, and composition of matter with the help of different examples and activities. So, in today's class, we are going to read about the states of matter. Alright. सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू देर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर वन इज सॉलिड इज लिक्विड एंड द लास्ट वन इज गैस तो आज हम लोग क्लास अबाउट intermolecular फोर्स ऑफ अट्रैक्शन intermolecular फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है तो फॉर एग्जाम्पल इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है इसको हम लोग बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना तो ये सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड्स में वो ज़्यादा होता है और राइट right. क्योंकि ये आपस में एक साथ है अगर इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो कम होगा सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम होता है और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा दे आर लाइक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना और यहाँ पे ये लिक्विड है लिक्विड में क्या होता है मॉलिक्यूल्स जो वो थोड़े दूर दूर में होते हैं और गैस में दे आर लाइक वेरी फार फ्रॉम ईच अदर देख लो ओके okay. तो गैसेस में क्या हो रहा है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा क्यों क्योंकि इन दोनों के बीच में एक दो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा सिमिलरली लिक्विड में दिस इज लिक्विड दिस इज गैस दिस इज सॉलिड इनमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेरिजन कम होगा लेकिन गैस से ज्यादा होगा क्योंकि लिक्विड में डिस्टेंस सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन गैस से कम होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अगर ज्यादा है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा तो सबसे ज्यादा जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका होगा सॉलिड का उसके बाद लिक्विड का उसके बाद गैस का है ना और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा किसमें होगा गैस में होगा उसके बाद लिक्विड में उसके बाद गैस में सो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें होगा सॉलिड में उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम किसमें होगा गैस में सिमिलरली इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में सबसे कम होता है दे आर लाइक कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल्स जो आपस में बहुत टाइटली पैक्ट होते हैं और उससे ज्यादा किसमें होगा लिक्विड में लिक्विड में थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड्स और गैसेज में क्या होगा दे आर वेरी लूजली पैक्ड तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होगा किसमें ज्यादा होगा गैस में सो नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉलिड्स तो वट आर सॉलिड्स सॉलिड्स का क्या होता है शेप दे आर डिफिनेट शेप दे आर हैविंग अ प्रॉपर शेप ट वॉल्यूम टाइटली पैक्ट इन सोलिड इंटरमोलिक स्ट्रॉन्ग एंड इंटरमोलिकुलर स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव द पार्टिकल्स के नॉट मूव क्योंकि दोनों के बीच में स्पेस इतना कम है तो हाउ दे विल मूव स्पेस होना चाहिए ना मूवमेंट के लिए एंड सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल इसका क्या मतलब होता है दे आर लाइक वेरी हार्ड वेरी रिजिट मतलब हम लोग उसको दबाएंगे तो वो कम्प्रेस नहीं होगा मतलब वो दबेगा नहीं उसको बोलते इनकम्प्रेसिबल लाइक दिस पेन राइट यहाँ पे एग्जाम्पल है वुड है स्टोन है डायमंड है गोल्ड है एनी थिंग दैट इज सॉलिड अगर हम लोग दबाते हैं वो दबता है नहीं क्योंकि वो इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है बिकॉज उसमें इंट्रोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रेक्शन इज लाइक वेरी हाई ओके as compared to liquid and gas now the second one is liquids a liquid has a definite vol volume but no definite shape तो इसका क्या मतलब है इसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होगा वॉल्यूम मतलब दे हैव अ वेट और अगर हम लोग किसी भी कंटेनर में रखे, लाइक ग्लास में रखते हैं तो पानी क्या होता है ग्लास का शेप ले लेता है कप में रखे तो वो कप का शेप ले लेता है है ना और अगर फैल गया पानी अगर गिर गया वे फॉर एग्जांपल जमीन पे या फिर टेबल पे तो वो फैल जाता है और वो अपना शेप ले लेता है वहां पे और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है जहा जैसा स्पेस मिले उसको वैसे स्पेस ऑक्युपाई कर लेता है लाइक अगर वो पानी लाइक बह गया कहीं गिर गया जमीन पे फ्लोर पे तो क्या होता है वो बिल्कुल जमीन पे फैल जाता है वैसा शेप ले लेता है अगर कप में डालो बकेट पे डालो तो वो बकेट का शेप ले लेता है तो इसका क्या है? है वालूम। मतलब है लिक्विड हैज अ डिफिनेट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम तो होता है वजन तो होता है वह स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है लेकिन दे डोंट हैव एनी शेप

कम होगा वीक होगा और इंटर क्योंकि इंट्रोमोलिकुलर गैप्स ज्यादा है ना इसके वजह से दस पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव विद इन द बल्क लिक्विड्स कैन फ्लो एंड आर नोन एज फ्लूड अब लिक्विड्स का लोग फ्लूड क्यों बोलते हैं क्योंकि वो फ्लो कर देता है अगर हम लोग का पानी यू you नो know, अगर एक ग्लास गिर गया तो फिर पानी क्या होता है एक जगह पे रुकता है नहीं वो बह जाता है वो फ्लो करता है जरूरी नहीं पानी कोई भी चीज ले लो लिक्विड हो जूस हो एनी थिंग राइट

गैस हैज डेफिनेट शेप नॉन अ डेफिनेट वॉल्यूम गैस का कोई शेप होता है नो no. उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है नहीं गैस क्या होता है पूरी तरह से अगर एक रूम है तो उसमें स्प्रेड हो जाएगा हर तरफ होता है गैस है ना अगर हम लोग एक डियोड्रेंट स्प्रे करते हैं परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो पूरे यू you नो know, अपने बॉडी पे स्प्रे करते हैं तो पूरे घर पर लाइक पूरे रूम पे स्मेल आता है हमें पता चलता है कि हाँ किसी ने परफ्यूम लगाया वो क्यों क्योंकि दे डोंट हैव है वॉल्यूम वो पूरा ऐसे ही फैल जाता है पूरे हवा जो है दे जस्ट स्प्रेड ऑल ओवर है ना दे डोंट हैव एनी शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम बट दे ऑक्यूपाई स्पेस राइट उन्हें जितना भी स्पेस मिले दे ऑल कैप्चर ऑल द स्पेस राइट एंड उनका मास भी होता है द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट सी दे आर लाइक सो फार अपार्ट देर इज लॉट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस द िकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी वीक अब डिस्टेंस ज्यादा होगा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यू नो ज्यादा नहीं होगा एज कम्पेड टू लिक्विड एंड गैस बिकॉज द इंट्रोमोलिक्युलर स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा है सॉलिड और लिक्विड के कंपेरिजन में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसका होगा गैस का होगा अब इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है तो ऑब्वियसली इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस में जो डिफरेंस है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और इंटरमोलिकुलर स्पेस ये दोनों चीज यू नो दीज टू थिंग्स आर लाइक इंपॉर्टेंट वेन इट कम्स टू नोइंग द डिफरेंस बिट्वीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट इज अ सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड लाइक लिक्विड द पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन दे कैन फ्लो अब हवा का कोई डायरेक्शन नहीं होता है कहीं पे भी यू नो इफ यू इटैंडिंग इन अ रोम यूर यूर लाइक आउटसाइड एनी वे देक हवा जो होता है वो हर जगह पे होता है दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन है ना वो हर डायरेक्शन में होता है पानी का तो चलो मान लेते हैं डायरेक्शन अगर हम लोग वाटर गिराया है कहीं पे या वाटर ग्लास पे है तो वो ग्लास पे रहेगा अगर वो गिर गया है तो वो स्प्रेड हो जाएगा लेकिन हवा जो है वो चारों तरफ फैला हुआ होता है उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है एंड दे कैन बी कंप्रेस्ड इनसाइड अ स्मॉल कंटेनर एंड कैन स्प्रेड इन टू अ लार्ज स्पेस अवेलेबल टू दिम अब गैस में क्या है दे कैन बी कंप्रेस्ड मतलब वी कैन कंप्रेस इट फॉर एग्जांपल हमारे घर में होता है ना गैस सिलेंडर उसमें क्या होता है कंप्रेस्ड गैस होता है ऑलराइट right. लेकिन अगर हम लोग गैस ऑन करते हैं तो वो गैस स्प्रेड हो जाता है मतलब गैस जो है वो कंप्रेस्ड भी हो सकता है और स्प्रेड भी हो जाता है एग्जांपल एयर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दीस ऑल आर गैसेस गैसेस आल्सो टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच दे आर केप तो लाइक लिक्विड गैस इज ऑल्सो टेक द शेप ऑफ अ कंटेनर हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे गैस बिल्कुल उसी का शेप ले लेगा एग्जाम्पल एयर विन पम्प इन टू फुटबॉल फुटबॉल के अंदर क्या होता है हवा होता है साइकिल के टायर के अंदर क्या होता है हवा होता है तो हवा जहां भी भरो रहेगा वो अपने कंटेनर का शेप ले लेता है द the fragrance of a perfume spreads into the whole room because the gaseous particle move rapidly and occupy the whole space. एज एलरेडी टोल्ड यू क्या होता है गैसेज पार्टिकल्स बस स्प्रेड हो जाते हैं फैल जाते हैं है है, like, क्यों? गैस भी तो फ्लो होता है ना तो लिक्विड और गैसेज जो है दे आर नोन एज फ्लूड्स बिकॉज दे फ्लो सॉलिड्स आर नॉट फ्लूड ओनली लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लुइड नाउ इन द स्टेबल ुलर स्पेस व प्रॉपर्टीज अबाउट द सॉलिड लिक्विड एंड गैस तो नंबर वन क्या है इंटरमोलिकुलर स्पेस आई ऑलरेडी टोल्ड यू के सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होगा वो कम होगा या तो बिल्कुल भी नहीं होगा लिक्विड्स में थोड़ा ज्यादा होगा सॉलिड्स के कम्पेरिजन में और गैसेज में बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा मॉलिक्यूल्स आर एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड हैव द दैक्सिमोलिकुलर मोक्यूलर मौल्क। स्पेस नाउ नाउ सॉलिड शेप होता है लिक्विड्स में दे डोंट हैव एनी फिक्स्ड शेप दे टेक द शेप ऑफ एनी कंटेनर अब ग्लास में रखो ग्लास बन जाता है वो ग्लास का शेप ले लेता है बकेट में रखो वो बकेट का शेप ले लेगा कोई भी शेप दो आप वैसे शेप वाले कंटेनर में रखो किसी भी शेप वाले कंटेनर में वैसा शेप ले लेता है

कहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ और गैसेस जो होता है दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर दैट इज कंप्रेशन सॉलिड्स अ वेरी लेस इफेक्ट और राइट प्रेशर का जो इफेक्ट है वो सॉलिड में बहुत कम होता है सॉलिड्स में नाउ लिक्विड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज हाइयर देन ऑन सॉलिड और इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है गैसेस में बहुत ज्यादा होता है ट्रांसपेरेंसी सॉलिड्स आर जनरली ओपेक ओपेक का क्या मतलब होता है ओपेक मतलब नॉट ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आसपास हम लोग देख नहीं सकते है ना हैं ग्लास ग्लास क्या होता है इट इज नॉन एज ट्रांसपेरेंट क्योंकि हम लोग को आज मतलब उसके आर पार क्या हो रहा है दिखता है लिक्विड में अगर पानी का एक ग्लास है तो हम लोग देख सकते हैं पानी में क्या है ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन सॉलिड्स जो होता है वो ओपेक होता है फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी एनी सॉलिड्स

तो वो नजर आता है ना ऑल गैसेज ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपेरेंट इन नेचर गैसेज आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट इन नेचर बट सॉलिड्स आर नॉट ट्रांसपेरेंट बट दे आर ओपेक वी विल यूज द टर्म ओपेक फॉर सॉलिड्स नाउ लश्चर अब लश्चर क्या होता है लश्चर होता है शाइनिंग है ना मेटल्स में होता है ना शाइनिंग होता है चमक होता है ना गोल्ड में लश्कर होता है अमंग अब जितने भी मेटल्स होते हैं सब में लश्र होता है शाइन होता है लिक्क्स मर्क्यूरी एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें लश्चर ओकेट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है ये वाला लाइक टेल द लिक्विड नेम विच इज लाइकअर नंबर एट इज सॉलिबिलिटी इन वाटर सम सॉलिड्स आर इनसॉलिबल इन वॉटर एग्जाम्पल वर्ड मर्ड एक्से ओके तो सॉलिड्स जो होता है कुछ सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिबल भी होते हैं कुछ जो होते हैं दे आर नॉट सॉलिबल सॉलिड्स फॉर एग्जांपल शुगर हो गया सॉल्ट हो गया दे कैन दे आर लाइक सॉल्यूबल है ना हम लोग अगर एक ग्लास में अगर नींबू पानी बनाना हो अगर उसमें लोग शुगर ऐड करते हैं तो क्या होता है वो मिल जाता है मतलब दे आर सॉल्यूबल मिल जाता है घुल जाता है तो हम लोग बोलेंगे वो सॉल्यूबल है लेकिन वुड वुड इज अ सॉलिड अगर हम लोग वुड को पानी में डाल के स्टेयर करेंगे तो क्या वो मिलेगा नो no. इसका क्या मतलब है कि सम सॉलिड्स आर नॉट इन वाटर लिक्विड्स कैन बी मिसिबल एज वेल एज इमिसिबल इन वाटर मतलब सॉल्यूबल भी होता है और सॉल्यूबल नहीं भी होता है एल्कोहल एंड विनेगर आर सॉल्यूबल तो सॉलिबल होता है या फिर लेमन जूस ले लो वो पानी में क्या होता है मिक्स हो जाता है इसलिए वो मिसिबल है ऑयल एंड पेट्रोल अब हम लोग ऑयल डालेंगे अगर पानी में मिलाएंगे तुम लोग देखना अगर यू नो इफ यू विल एड लाइक थोड़ा सा ऑयल डालो ग्लास में पानी लेकर तो क्या होता है मिक्स हो जाता है नहीं ऑयल जो है वो अपना यू you नो know, थोड़ा ऑयली ऑयली सा नजर आ जाता है ऊपर में इसका क्या मतलब होता है दोनों मिक्स नहीं हुआ है एक साथ तो ऑयल एक ऐसा लिक्विड है या फिर पेट्रोल इज़ नॉट मिसेबल कौन सा लिक्विड है जो मिक्स नहीं होता है लाइक विच इज़ नॉट सॉल्यूबल ऑयल पेट्रोल बट देबल फॉर एग्जाम्पल इट मे बी विनेगर एल्कोहल एक्सेट्रा नाउ समर सोल्यूबल इन वॉटर लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन दे आर सॉल्यूबल ये सब मिक्स होता है मिसिबल दे आर नॉट सॉलिबल इन वॉटर लाइक हाइड्रोजन नाइट्रोजन दे आर नॉट सॉलिबिल इन वॉटर लाइक सम गैसेज आर इन सोलब इन वॉटर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर सॉलिबल इन वॉटर एग्जाम्पल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया ये सब क्या है दे आर सोल्यूबल नाउ इंटर अबाउट देंज इन दैटर अब किसी भी मैटर के स्टेट कैसे क्यों चेंज होता है बिकॉज ऑफ टू रीजन पहला है चेंज इन टेम्परेचर या तो टेम्परेचर चेंज करने से या तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से या फिर अप्लाइंग प्रेशर सो नंबर वन इज चेंज ऑफ स्टेट बाई चेंजिंग द टेम्परेचर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर में हाउ चेंजेस हाउ द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस वेन टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉलिड चेंजेस इन टू लिक्विड and and then into vapor and when temperature एंड देन एंड वेन टेम्परेचर डिक्रीजेस जस्ट द रिवर्स है हम लोग solids का सॉलिड्स solids ice ice का example लेते हैं बर्फ है ना तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर हम लोग उसका बढ़ा दिया जाए मतलब अगर हम लोग फ्रीजर से बर्फ निकाल के रखते हैं बाहर रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या होता है वो धीरे धीरे पिघल के वो लिक्विड बन जाता है, है ना लिक्विड बन गया और अगर जब वो लिक्विड बन गया मतलब वाटर की फॉर्म ले लिया तो अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो क्या होगा बहुत ज्यादा हीट करने से जब हम लोग कोई भी चीज हीट करते हैं तो ऊपर से ऐसे धुआं निकलता है ना यू नो फ्लेम कम्स आउट यू नो व्हेन वी हीट अ लिक्विड देन वाटर वेपर्स कम्स आउट सी ये देखो ये वॉटर है एंड इफ वी हीट वॉटर और एनी यू माइट हैव कि ऐसे वॉटर वेपर्स निकलता है और राइट right. तो क्या हुआ यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज किए तो आइस जो था वो बन गया लिक्विड रूम टेम्परेचर पे फिर हम लोग जब उसको हीट किए ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करके तो वो वाटर वेपर बन गया मतलब गैस बन गया फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ लिक्विड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन बट वेन इट इज केप्ट रेफ्रिजरेटर इट गेट्स कूल एंड चेंजेस इन टू आइस एट जीरो डिग्री है ना अगर हम लोग पानी को फ्रीजर के अंदर रखते हैं तो क्या होता है वो आइस बन जाता है उ आइस वेन केप्ट एट रूम टेम्परेचर अगेन चेंजेस टू लिक्विड स्टेट अब हम लोग आइस को क्या करेंगे फ्रिज से बाहर निकाल के रख देंगे तो क्या होता है फिर से वो मेल्ट कर जाता हैग्जाम्पल इज आइसक्रीम आइसक्रीम अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल के फ्रीजर से रखो तो वो क्या होता है सॉलिड रहता है आइसक्रीम वो मेल्ट हो जाता है अगेन अगर आइसक्रीम थोड़ा सा मेल्ट हुआ है आप फ्रीजर में डाल दो तो फिर क्या हो जाता है फिर से सॉलिड बन जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेट चेंज हो रहा है अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर डिक्रीज कम टेम्परेचर में रख रहे हैं जैसे फ्रीजर में रख रहे हैं तो स्टेट चेंज हो जा रहा है लिक्विड का अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं फॉर एग्जांपल अगर लिक्विड को हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर क्या हो कि लिक्विड जो है गैस के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है ना या यू कैन सी आइस जो होता है वो सॉलिड स्टेट होता है इसको हीट करने से क्या हो जाता है वो लिक्विड स्टेट बन जाता है लिक्विड स्टेट क्या है वाटर है अगेन अगर हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो वाटर वेपर बन जाएगा वाटर वेपर क्या है गैशियस स्टेट है सिमिलरली अगर हम लोग ऑपोजिट भी करें लाइक like अगर गैशियस स्टेट है अगर वो कूल cool होगा नॉर्मल टेम्परेचर में आएगा तो लिक्विड बनेगा अगर लिक्विड स्टेट दैट इज वाटर को अगर हम लोग फ्रिज में रख देंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा आइस बन जाएगा लेकिन ये तीनों प्रोसेस में जो प्रॉपर्टीज है वाटर का दैट विल रिमेन द सेम द प्रॉपर्टीज डू नॉट चेंज विथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू वेपर हीट एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड बट वेन वेपर चेंजेस टू लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट Same amount of heat energy is evolved. The net energy change is almost zero because change of state does not change the chemical composition of the substance. Now, agar solid jo hai wo liquid mein change ho raha hai to wo क्यों hoga iska kya matlab hai कि वो heat energy absorb किया है. अगर वो heat energy, for example ice, अगर heat absorb करेगा, मतलब temperature rise हो रहा है, तब जाके वो liquid में change होगा. All right. या फिर लिक्विड टू वेपर चेंज होता है इस, तब भी ही वो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करता है लेकिन जब वेपर चेंज होता है लिक्विड में या फिर सॉलिड स्टेट में तो उतना ही एनर्जी इवॉल्व होता है मतलब उन, उतना ही एनर्जी रिलीज करता है और राइट अनदर एग्जाम्पल इज अ वैक्स वेन यू इग्नाइट अ कैंडल जब हम लोग कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है सॉलिड वैक्स मेल्स इन टू लिक्विड वैक्स हियर यू कैन सी अगर हम लोग कैंडल जलाते हैं तो क्या होता है ऐसे वैक्स जो पिघलने लगता है है ना लेकिन फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर फिर से वो सॉलिड वैक्स बन जाता है राइट वेन इग्नाइट अ कैंडल सॉलिड वैक्स मेल्स इन टू लिक्विड वैक्स विच राइजेस इन द विक इस तरह से फॉर्म हो जाता है द वैक्स नियर द ग्लोइंग विक एंड सम पार्ट ऑफ द मोल्टेन वैक्स टिकल डाउन एंड सॉलिडीफाइड्स चर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो ये मेल्ट हो गया और लिक्विड हो गया और नीचे जो है टेम्परेचर कम है मतलब तो यहाँ पे कूल है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू हि यहाँ पे अगेन वो सॉलिडिफाई हो गया सॉलिड वैक्स बन गया इन बोथ दसिसम्परेचर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर ज्यादा था तो कैंडल जो है वैक्स जो है वो लिक्विड बन गया टेम्परेचर नीचे में जो है वो कम था तो वापस से जो लिक्विड वाला वैक्स था वो सॉलिड सॉलिड बन गया ये हो गया वी लर्न अबाउट लाइक चेंज इन द टेम्परेचर नाउ इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। अब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होता है? When a solid is heated, the particles of the solid gain energy and start vibrating more vigorously. A stage is reached where the particles gain enough energy to overcome the force of attraction and they start moving. Thus, the solid changes into its liquid state. Now, we all eat ice cream, है ना? तो आइसक्रीम क्या होता है रूम टेम्परेचर पे ऐसे तो वो एक लाइक सॉलिडिफाई फॉर्म में होता है सॉलिड फॉर्म में होता है लेकिन वो धीरे धीरे ही, हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके मेल्ट होने लगता है और राइट right. अब इस प्रोसेस को जहां पे जो सॉलिड है वो लिक्विड स्टेट स्टेट में चेंज हो गया हीट ऑब्जॉर्ब करके उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग और फ्यूजन द प्रोसेस दिस इज अ डेफिनेशन द प्रोसेस बाई विच सब्सटेंस इन इट्स सॉलिड स्टेट चेंजेस टू इट्स लिक्विड स्टेट ऑन हीटिंग मेल्टिंग और फ्यूजन और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं तो ये क्या था ये हम लोग पढ़े कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग होगा और जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट मतलब लिक्विड अगर हम वेपर फॉर्म में या फिर गैसेस फॉर्म में चेंज होता है तो हम लोग उसको बोलेंगे वेपराइजेशन और फॉर इफ आर बॉइलिंग अ है ना किसी बर्तन पे हम लोग पानी बॉइल कर रहे हैं तो क्या होता है जब बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है और राइट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ये जो भी है अगर बॉयल होना शुरू हुआ तो फिर हम लोग देखते हैं ना कि वेपर शुरू हो जाता है दिखना वी सी देपर्स और राइट तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन मतलब जहां पे सॉलिड्स जो है सॉरी लिक्विड स्टेट जो है वो पानी तो लिक्विड था अब ये हीट करने को हम लोग बोलेंगे और एवैपरेशन। एवैपरेशन। एवैपरेशन टेक एट रूम बट इट बिकम फास्टर हीटिंग अब एवेपोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी होता है लेकिन हीट करने से वो फास्टर हो जाता है

इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग हम लोग इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या होगा पढ़े अब पढ़ेंगे कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या फर्क पड़ेगा वेन अ गैस इज कूल द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल डिक्रीजेस एंड देर मूवमेंट बिकम्स स्लो द गैप्स बिटवीन द पार्टिकल डिक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इंक्रीजेस अल्टीमेटली द गैस चेंजेस इन टू इट्स लिक्विड स्टेट मतलब अगर हम लोग गैस का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाएगा अगर मूवमेंट स्लो होगा मूवमेंट कम होगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप्स है वो डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा डिस्टेंस कम कम हो जाएगा मॉलिक्यूल्स के इसका क्या मतलब क्या मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद फाइनली जो गैस है वो लिक्विड के स्टेट में चेंज हो जाएगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे कंडेंसेशन या फिर लिक्विड एक्शन द प्रोसेस बाई विच इन इट्स गैशियस स्टेट चेंजेस इन टू इट लिक्विड स्टेट इज नोन एज कंडेंसेशन और लिक्विफ और जिस टेम्परेचर पे जो गैस है वो लिक्विड में चेंज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन पॉइंट तो पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडेंसेशन पॉइंट सो दीज आर द डिफिनेशन दैट यू हैव टू लर्न नाउ ऑन फर्दर कूलिंग अब हम लोग लिक्विड को अगर कूल करते हैं तो क्या होता है वो आइस बन जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीजिंग बोलेंगे है ना और जिस टेम्परेचर पे ऐसा सॉलिड पे लिक्विड जो सॉलिड में चेंज हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट यूजुअली जीरो डिग्री नाउ नंबर टू चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग द प्रेशर हम लोग पढ़े पहले क्या चेंज ऑफ स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर अभी हम लोग देखेंगे प्रेशर चेंज करने से क्या होता है

तो जैसे ही हम लोग उसका वाल्व खोलते हैं उसका प्रेशर जो है रिलीज हो जाता है है ना और उससे गैस निकलता है मतलब वो किस फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में वी कैन स्टोर गैस तो गैस का अगर हम लोग गैस में अगर प्रेशर लगाएंगे इफ वी विल इंक्रीज द प्रेशर इफ विल चेंज द प्रेशर तो गैस क्या होगा वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगा है ना एंड दिस इज हाउ वी कैन ऑप्टन लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड कुकिंग गैस तो लिक्विड क्यों हो गया गैस तो है लेकिन ये लिक्विड भी लिखा हुआ है ना वो क्यों हुआ है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग प्रेशर प्रेशर की वजह से द कुकिंग गैस होल्ड इन दिस गैस सिलेंडर इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड अंडर हाई प्रेशर दिस कॉल्ड द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तो ये सब गैस होता है लेकिन किस फॉर्म में होता है लिक्विड के फॉर्म में होता है देर आज सम्स लाइक कम्फर्ट नैफेलिन आयोडिन क्रिस्टल हाँ अब ये क्या होता है comfort, naphthalene ball, हम लोग जैसे अपने कपड़े में जो वाइट वाइट बॉल रखते हैं ना राउंड बॉल तो वो क्या होता है अगर हम लोग कपड़ों में रखते हैं कबर्ड में या फिर अल्मीरा में तो वो कुछ दिन के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वो छोटा हो जाता है तो वो क्या रहता है वो सॉलिड रहता है राउंड वाइट वाइट मे बी यू ऑल हैव सीन तो क्या होता है फिर वो डायरेक्टली छोटा हो जाता है मतलब सॉलिड था लेकिन वो लिक्विड पे चेंज नहीं हुआ वो डायरेक्टली क्या हुआ है वो क्यों छोटा हुआ है क्योंकि वो क्योंकि वो गैस बन के रिलीज हो गया है, है ना तो मतलब सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज नहीं हुआ यूजुअली क्या होता है सॉलिड से चेंज होगा लिक्विड में लिक्विड से होगा गैस में लेकिन जो नेफ्तलिन बॉल है वो सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है तो वो छोटा क्यों हो जाता है क्योंकि वो गैस तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है है ना तो वो गैस के तरह वो रिलीज हो जाता है और वो बॉल जो है वो छोटा हो जाता है छोटा होते जाता है सो द प्रोसेस सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैश स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड इसमेशन मतलब वो तो लिक्विड नहीं बनता है डायरेक्टली सॉलिड से क्या होता है वो गैस फॉर्म में चेंज होता है और हम लोगों को वो नजर नहीं आता है. हम लोग देखते हैं तो क्या होता है जब आफ्टर समेज इफ यूबर्व को देखिए बड़ा सा गैस फॉर्म में चेंज हुआ है सॉलिड मतलब वो वो से डायरेक्टली गैस में चेंज हुआ है जिसकी वजह से उसका साइज छोटा हो गया है मतलब वो पूरे यू नो चारों तरफ हर तरफ वो फैल गया है गैस के फॉर्म में वो चेंज होके फैल गया है जिसकी वजह से जो साइज जो है वो छोटा हो जाता है सो दिस वॉज द एंड ऑफ Matter chapter in the next class, I will solve some questions related to this. Till then, bye bye. Take care and do like, share, and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye bye.